वालेकुम जमात सेवन क्लास सेवन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ और आज हम उसके लास्ट जो सारा टॉपिक हमने पढ़ा है ये फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ, तो उसमें से जो कुछ खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेज नंबर 12 पे, एक तो हम वो रिवाइज करेंगे और दूसरे ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, लास्ट में 7 क्वेश्चंस हैं इनके, मैंने बुक्स के ऊपर निशान लगाए हुए हैं आंसर के, वो पिक्स भी हम आपको भेज देंगे। ये प्यारे बच्चे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे अक्सर शार्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। उसमें से ये जो फास्ट पॉइंट्स हैं, एक तो ये है द अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट एंड इट्स द थिकनेस इज 8 to 40 किलोमीटर, के अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम चलते फिरते हैं उसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो 8 से लेके 40 किलोमीटर तक होती है। फिर है द थिकनेस ऑफ अपर मैंडल इज 670 किलोमीटर एंड थिकनेस ऑफ लोअर मैंडल इज 2230 किलोमीटर, के उसके नीचे जो मैंडल का हिस्सा आ जाता है तो उसकी उन्होंने लोअर मैंडल की भी थिकनेस बताई है कि वो 2230 किलोमीटर है और जो अपर मैंडल है उसकी 670 किलोमीटर है। तो ये अक्सर चीज़ें जो होती हैं हम एमसीक्यूज की सूरत में या फिर इन दी ब्लैंक्स की सूरत में पूछते हैं, तो आपने इन चीज़ों को प्लीज़ अंडरलाइन करते जाना है। फिर द एक्सटर्नल कोर ऑफ अर्थ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मोल्टन रॉक्स एंड इट्स थिकनेस इज अबाउट 2250 किलोमीटर, के अर्थ का जो अंदर एक्सटर्नल कोर है वो अमूमन ज़्यादातर मोल्टन रॉक्स के ऊपर बना होता है, यानी ऐसी नरम रॉक्स होती हैं जो कि इधर उधर हम खा जाती हैं एंड इट्स थिकनेस जो है वो 2250 किलोमीटर तक होती है। द इनर कोर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल एंड इट्स थिकनेस इज अबाउट 1220 किलोमीटर, और ये चीज़ें मैं बार बार कह जा रही हूँ अंडरलाइन करते जाएँ किसकी थिकनेस कितनी है, तो ताकि आपको हम एमसीक्यूज या फिर इन द ब्लैंक्स की सूरत में या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछ सके। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 बिग प्लेट्स, अर्थ क्रस्ट जो है वो 7 बिग प्लेट्स में डिवाइडेड हो चुकी हुई है। बिग क्रैक्स एंड स्पेसेस इज अर्थ आर नोन एज फॉल्स, के जो अर्थ क्रस्ट में बिग क्रैक्स आते हैं बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं ये जो सोर फोर हो जाती है वॉल्केनिज्म की वजह से या अर्थ के आने की वजह से, तो इनको हम फॉल्स कहते हैं। फॉल्स फॉर्मिंग एरिया इज नोन एज फॉल्स जोन एंड क्रैक इन फॉल्स जोन इज नोन एज फॉल्ट लाइन, के फॉल्ट जोन किसे कहा जाता है कि फॉल्ट फॉर्मिंग एरिया जहाँ पे फॉल्स वाक्य होती हैं उनको फॉल्ट जोन कहा जाता है। और द एरिया ऑल अराउंड पैसिफिक प्लेट्स इज आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, तो ये भी चीज अंडरलाइन कर ले, रिंग ऑफ फायर। द पार्ट्स ऑफ अर्थ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन नॉर्मल फॉल्स टू एंड टू मोशन इन ट्रांसफॉर्म फॉल्स एंड टुवर्ड्स ईच अदर इन रिवर्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थ के इंटेंसिटी इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ, और इस सेस्मोग्राफ ये भी अंडरलाइन करें। द स्केल टू मेजर अर्थ के इंटेंसिटी इज रिचर्डर स्केल, ये भी चीज पॉइंट अंडरलाइन करें, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। The eruption of hot semi-solid matter magma from the surface of Earth is known as volcanism. ये चीज भी पूछे जाए अगर volcanism तो आप बताएंगे आंसर की सूरत में। The volcano in which volcanism is going on are known as active volcanoes. As time has passed after ये active volcano क्या है तो वो आप बताएंगे कि those volcanoes in which volcanism is going on के जहाँ पे volcanism अरप्शन ऑफ लावा जो है वो हुए जा रही है कंटिन्यू है तो वो उसे हम कहेंगे एक्टिव वोल्केनो। अ टाइम हैज पास्ड आफ्टर लावा अरप्शन इज डोरमेंट वोल्केनो बट दैट कैन अकर अगेन, के अगर ऐसे वोल्केनो जहाँ पे अरप्शन तो हो चुकी हुई है लावा की लेकिन आइंदा भी हो सकती है, ये नहीं है कि वो बंद हो चुकी है, आइंदा भी स्टॉप है, इस वक्त स्टॉप है, आइंदा भी कभी हो सकती है तो उसे हम कहेंगे dormant volcano. Those volcanoes in which continuous eruption is stopped are known as extinct volcano. A large number of volcanoes are formed around the area of Pacific Ocean. तो ये तमाम खास खास पॉइंट्स आपने
याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। और कुछ बच्चों में क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 में इसके मैंने निशान लगाए हैं बुक पे, इसकी मैं आपको पिक्स भेज देती हूँ, आप भी अपनी बुक्स पे निशान लगा लें। अल्लाह हाफिज़।